तमाम बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंचे, उनके प्रधानमंत्री यहां पहुंचे, गृह मंत्री यहां पहुंचे, राष्ट्र के उनके अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी यहां पहुंचे, स्मृति ईरानी जी यहां पहुंची, योगी जी यहां पहुंचे और ना जाने कितने बड़े बड़े नेता यहां पर प्रचार और प्रसार करने के लिए आए। और जब हार गए तो अब बेवजह के जिस प्रकार से ऊंचे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और माननीय हमारे नव नियुक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जी के ऊपर जो हमला कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। और जिस निम्न स्तर से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले कल जिस प्रकार से उन्होंने एक निम्न भाषा का और निम्न नारों का जो उन्होंने प्रदर्शन किया, उसके ऊपर जो सख्त कार्रवाई होगी और इस प्रकार के जो हथकंडे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को बाज आना चाहिए। जो अपने को एक संस्कारित पार्टी कहती है और सिद्धांतों की पार्टी कहती है, वो इस प्रकार के ऊंचे प्रकरण जिस प्रकार से कर रहे हैं वो समझ से परे हैं। यदि उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो अभी विधानसभा का सत्र होने वाला है, वहां पर बात करें, वहां पर रखें अपनी बात, चर्चा करें। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट संकेत दिया है कि जो इस प्रकार के गलत निर्णय पूर्व सरकार ने लिए हैं उनको किसी भी तरीके से सहन नहीं किया जाएगा। यही उनको तकलीफ हो रही है। कभी वो मंत्रिमंडल के विस्तार की बात करते हैं कि अभी तक तो मंत्रिमंडल नहीं बना, वो अपना समय क्यों भूल जाते हैं? कितने आंदोलन हुए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, शायद जयराम जी उस बात को भूल जा रहे हैं। पीटरहॉफ के अंदर जो प्रकरण हुआ था उससे सारी जनता को वो विदित है कि किस प्रकार वहां पे हो हल्ला हुआ। प्रेम कुमार धूमल जी चुनाव हार गए थे और उन्होंने वहां पर अपने समर्थकों के साथ जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के आए हुए थे वहां पर ढोल नगाड़ों के साथ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री बनने की मांग रखी थी। तो आज कांग्रेस पार्टी के इनको इतनी क्या तकलीफ हो रही है हमारे मंत्रिमंडल को लेकर, वो इसकी क्यों चिंता कर रहे हैं? श्री नवनियुक्त सुखविंदर सिंह ठाकुर जी ने बड़े स्पष्ट संकेत दिए हैं कि प्रदेश के विकास के लिए और विकास के आड़े आने वाले कोई भी निर्णय जो है उनको सहन नहीं किया जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी सीमा में रहें, संयम रखें और प्रदेश की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटियां घोषित करी हैं वो अक्षर से जो है वो उनका पालन होगा। अभी मंत्रिमंडल का गठन होगा, कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद सारे निर्णय सामने आएंगे। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे थे कि 10 दिन में पूरा करने के लिए बात करी थी कांग्रेस पार्टी ने, शायद वो भूल गए कि अभी जो हमने बात कही थी उसमें हमने यही कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी और कैबिनेट का गठन होगा, मंत्रिमंडल का गठन होगा, उसके जो 10 दिन में जो पहली बैठक होगी उसमें ये निर्णय लिए जाएंगे जिसमें ओपीएस बहाल होगा और 1500 रुपये जो हमने महिलाओं को हर महीने देने हैं वो भी बहाल होंगे। अब चिंता क्यों कर रहे हैं? जो भी हमने गारंटियां दी हैं वो 5 वर्षों में हम उनको पूरा करेंगे। आप चिंता मत करें जयराम जी, आप तो सदन में बड़े जोर जोर से कहा करते थे मैं तो 15 साल का मुख्यमंत्री हूं, मैं 20 साल का मुख्यमंत्री हूं, आज कहां गई आपकी वो बातें? जनता ने आपको आईना दिखा दिया है, अब जनता को बरगलाने की कोशिश ना करें। प्रदेश के शांतिपूर्वक माहौल को आप गलत दिशा देने की कोशिश ना करें, संयम रखें, सब आपके सामने होगा। कि जिस प्रकार से वहां पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर जी के सामने उनके समर्थकों ने जिस प्रकार से एक भद्दा वहां पे प्रदर्शन किया, उसके लिए भी उनको जो है उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी तो कार्रवाई करेगी करेगी उनके ऊपर, लेकिन इन नेताओं को भी अपने कार्यकर्ताओं को संयम में रखना चाहिए। जो इस प्रकार की भाषा और ये इसमें कर भी क्या सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति ऐसी है, क्योंकि ये दुहाई तो ये बहुत सिद्धांतों की देते हैं लेकिन जिस प्रकार से उदंडता ये लोग करते हैं शायद ही कोई दल ऐसी उदंडता करता हो।
इन्होंने चुनाव के समय में भी बहुत सी ऐसी इस प्रकार से गुंडागर्दी का कोशिश करनी करने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी हथकंडा जो है इनका वो सामने नहीं आया। सच जो है वो सच ही होता है, तरह की बात करना वो कोई अच्छी बात थोड़ी है। एक फुल मेजोरिटी की सरकार है, क्या मेरे को जो है वो अलग ग्राम पंचायत या इस तरीके का कोई मॉडल आएगा जिसमें इन समस्याओं का समाधान हो पाए? देखिए, आपका जो सवाल है बहुत ही सटीक है और सही सवाल भी है, क्योंकि इसमें जैसे जैसे हमारे कस्बे बड़े होते जा रहे हैं, वहां पर कूड़े की, सीवरेज की, पानी की, जो अन्य जो सुविधाएं हैं उनकी समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं। पार्किंग की समस्या है, ये इस प्रकार की समस्याएं जो आने वाले इन 5 वर्षों में उनको सुलझाएंगे। और कूड़े के निस्तारण के लिए जो भी अभी एक हमारा जोरघाट के अंदर डिस्पोजल का वो बन रहा है, वहां पे स्थान जैसे वो बनकर तैयार हो जाएगा तो काफी हद तक मैं समझता हूँ समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमें एक जो मैरे और बड़सर का जो हमारा ये टाउन जो बना है, इस टाउन के लिए हम अभी सभी से बैठकर चर्चा करेंगे। जो यहाँ पे 4-5 पंचायतों का जो एक मिश्रण होता है, फिर ये मैरे और बड़सर का टाउन बन रहा है, तो इस मैं समझता हूँ समय की मांग है कि यहाँ पे इसको नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए, ताकि जो यहाँ पे सीवरेज सिस्टम है, पार्किंग का वो है, और जिस प्रकार से बेतरतीब जो भवन निर्माण हो रहे हैं उससे भी हमें इस क्षेत्र को बचाने की कोशिश करनी है। तो ये तभी संभव होगा जब इसमें सारे स्थानीय जनता भी इसमें साथ दे और स्थानीय ग्राम पंचायतों के प्रधान लोग भी इसमें साथ दें, तो एक अच्छा टाउनशिप हम यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं, ताकि और अगर उसको अच्छे टाउन के हिसाब से डेवलप करने में उम्मीद कर जो, सकते हैं सर इन 5 सालों में जो हाँ होता है? बिल्कुल, आप पूरी उम्मीद करें क्योंकि मैं पूरी तरह से प्रयासरत रहूंगा। अभी जैसे ही हमारी मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, सरकार पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर देगी, तो सारे प्रतिनिधियों से, व्यापार मंडल से और यहाँ के स्थानीय लोगों से चर्चा की जाएगी, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है। कोई जब हम चुनाव के समय में लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग डिमांड करते हैं यहाँ सीवर सिस्टम होना चाहिए, यहाँ पर नालों का चैनलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन पंचायतों के पास उस प्रकार का फंड नहीं होता। जब आप किसी का एक टाउन को अगर डेवलप करना है तो उसमें बहुत सी ऐसी स्कीम्स होती हैं जो अर्बन डेवलपमेंट के माध्यम से की जाती है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस क्षेत्र को अगर हम NAC में तब्दील कर दें तो शायद यहाँ का अच्छा विकास हो सकता है और कूड़े का निस्तारण भी हो सकता है और अन्य जो मूलभूत सुविधाएं वो भी हम अच्छे से दे सकते हैं। तो उसके लिए आने वाले समय में योजना बना रखी है हमने, लोगों से चर्चा करेंगे सभी से, और जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपने की कोशिश भी नहीं करेंगे और जनता के सहयोग से ही सारा काम करने की कोशिश करें। सभी नहीं है कि इसमें सबने प्रयास नहीं किए, मेरी तरफ से भी प्रयास होते रहे और दूसरे दल के नेताओं से भी प्रयास होते रहे, लेकिन अभी तक उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से अपने बड़सर विधानसभा क्षेत्र की जनता को, कि बहुत जल्द 1 साल के अंदर अंदर जो है इस समस्या का सुलझाने की मैं कोशिश करूंगा, और ताकि यहाँ पे लोगों को बस अड्डे का जो है वो मिले। और इसके बारे में मैं खुद भी बहुत गंभीरता से विचार कर रहा हूँ। जैसे अभी हमारे नए ट्रस्ट का गठन होगा उसमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, और मैंने काफी प्रयास किया है पिछली सरकार के समय में भी और उसकी पिछली सरकार के समय में भी जब हमारी सरकार थी, कि यहाँ पर जो बाबा बालाजी जी का जो हमारा ट्रस्ट है उसको पर्यटन की दृष्टि से धार्मिक पर्यटन स्थल में तब्दील किया जाए। और ये बहुत सही बात है कि जब श्रद्धालु आते हैं, बहुत मात्रा में श्रद्धालु आते हैं, अब तो 12 महीने ही श्रद्धालु चले रहते हैं, तो उन जितनी उनको सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं अभी तक हम उनको दे नहीं पा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एक मास्टर प्लान जो तैयार किया जाएगा, बृहद मास्टर प्लान होगा, उसमें रोप वे का भी प्रावधान रहेगा और एक छोटे छोटे हट्स बनाने का भी रहेगा, ताकि पर्यावरण भी खराब ना हो और बच्चों को रोजगार भी मिले और आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको भी सुकून मिले। अब जिस प्रकार से वैष्णो देवी का जो श्रीनगर जो ट्रस्ट है वो वहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ भिन्न है, और यहाँ पर एक जो हमारी लैंड की जो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा, क्योंकि आसपास सारे फॉरेस्ट का लैंड है, लेकिन उसको भी किसी न किसी तरीके से जब एक मास्टर प्लान के तहत जब उसको लाएंगे तो वन विभाग से भी उसमें परमिशन की जो जरूरत रहेगी उसको भी करेंगे, और रोप वे को भी इस प्रकार से जोड़ने का मेरा स्वप्न है कि अगर हम नैना देवी से बरछेट्टू की धार में और बरछेट्टू की धार से बाबा बालकनाथ, और बाबा बालकनाथ के साथ ही कैलू टैलू
टेम्पल है, एक प्राचीन मंदिर है, वो बहुत रमणीक स्थान है और बाबा भोलानाथ की हाइट के थोड़ा सा बराबर बराबर ही है। तो अगर इस प्रकार से एक ज्वाइंट हो जाए इस रोप वे का, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा टूरिज्म हब जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के लिए ये एक बहुत बड़ा टूरिज्म हब जो यहाँ पे बन जाएगा। और उससे जहाँ आम जनता को लाभ होगा, श्रद्धालुओं को लाभ होगा, टूरिस्ट यहाँ पे, धार्मिक टूरिस्ट यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आएगा और यहाँ के हमारे लोकल लोगों को जो है रोजगार उसमें मुहैया होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये बैठक उसके बारे में मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट संकेत दिए अधिकारियों की, इसका प्रारूप बना के लाइए, उसके बाद फिर जो 1500 रुपये वाला है उसके ऊपर भी जो हम एक जो वित्तीय जो हमारा संसाधन है उसको वर्कआउट करके कि कैसे देना है उसको भी करेंगे। एक सर यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं आपके, चाहे वो बोर्ड के, ध्यान में लाई है और इसके लिए मैं खुद स्वयं इसका निरीक्षण करूंगा और इनके अधिकारियों की बैठक भी अभी मैंने करनी है, उसमें मैं पूछूंगा इनको कि ऐसा क्यों हो रहा है, यदि ऐसी कोई बात है तो उसका संज्ञान दिया जाए। और दूसरी ये है कि